डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कई सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, इसमें एक सेक्शन लगातार छूट रहा था और ये सेक्शन था करंट अफेयर्स का। तो पिछली बार हम लोगों ने एक मैगजीन को सिलेक्ट किया, प्रतियोगिता दर्पण को, और फिर उससे टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। टॉपिक हम लोगों ने लिया था राष्ट्रीय घटनाक्रम, मार्च के पीडी का। इसका जो सेक्शनाइज्ड बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें हम लोग नेशनल जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित क्वेश्चन हैं उसे हम लोगों ने टॉपिक में लिया था, यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम। पीडी में जो पहला सेक्शन है राष्ट्रीय घटनाक्रम का होता है, यानी देश के अंदर कौन से करंट अफेयर्स के घटनाक्रम सामने आए, इस टॉपिक को हम लोगों ने लिया था। आइए आज देखते हैं इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन अगर आप अच्छे से आपने कर लिया, अपने स्तर पर भी आपको करना है, तो आप याद रखें चाहे रेलवे, बैंकिंग, SSC, PCS, UPSC कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क सेट होने वाला है। तो इसे आप करें सीरियसली, एक मैगजीन लें। हम लोग अभी पीडी ले रहे हैं, अगर आप कोई और मैगजीन ले रहे हैं तो उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में हम लोग जो कर रहे हैं वो अभी हम लोग पीडी कर रहे हैं। और राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल परस्पेक्टिव में कुछ करंट अफेयर्स जो निकल कर आ रहे हैं उसे हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल कर आए और हम आपके साथ इस सेक्शन को बिल्कुल नए रूप में करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक जो इसमें था राष्ट्रीय घटनाक्रम का, ये मार्च का पीडी है। इसमें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन जो एड्रेस करते हैं, नेशन एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, उससे रिलेटेड है। आप कहेंगे कि इसमें तो कोई भी क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, इसमें करंट अफेयर्स का क्या क्वेश्चन बनकर आएगा, लेकिन हमने जब इसे देखा तो तीन क्वेश्चंस यहां से निकल कर आ गए। आप इसे देख भी सकते हैं, इन सर्किल किया हुआ है। पहली बात, 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले प्रायः राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं, जिसमें सरकार की नीतियों और देश की स्थिति के बारे में उनका एड्रेस होता है। पहली बात, इन्होंने कहा कि ये 70वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन था। तो एक, काफ़ी लोग हम लोग इसे जान भी रहे हैं कि ये 70th रिपब्लिक डे था जो अभी बीता 26 जनवरी, तो एक, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, 150वीं जयंती हम लोग एनिवर्सरी महात्मा गांधी की मना रहे हैं, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी किया कि इस बार की 26 जनवरी में जो परेड हुआ वो पूरा परेड थीम था महात्मा गांधी पर बेस्ड, यानी उसका थीम था महात्मा गांधी। तो ये 150वीं चूंकि इनकी जयंती है, इसलिए ये सब चीज़ स्पेशलाइज किया जा रहा है उनसे रिलेटेड, तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट था। और तीसरा, इन सर्किल में आप देख रहे हैं कि 17वीं लोकसभा घिरे हुए लाल रंग से, लाल कलर से आपको दिख रहा है, यानी आने वाली लोकसभा जो मई जून में चुनाव होगा वो लोकसभा 17वीं लोकसभा होगी। हालांकि ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, चूंकि हम सभी जान रहे हैं कि वर्तमान लोकसभा 16वीं लोकसभा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस इसमें निकल के आएंगे, हम लोग इसमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, PSLV C-44 के जरिए माइक्रोसेट आर और एक हल्का सैटेलाइट छोड़ा गया। पहली बात तो यह कि जब भी आप प्रक्षेपण या इस तरह के उपग्रह के भेजने से रिलेटेड आप नाम सुनते होंगे तो उसमें PSLV या GSLV। PSLV का मतलब हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जिसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, यानी ध्रुवों के अराउंड नॉर्थ ऑफ साउथ जो हमारा पोल है, ध्रुव है, उसी की कक्षा के अराउंड जो हमारी सूर्य का भी कक्षा कहलाता है, बनता है, उसमें जब हल्के उपग्रह हम छोड़ते हैं और कम दूरी के सैटेलाइट तो हम PSLV से छोड़ते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हम इसे कम दूरी के सैटेलाइट और कम ऊंचाई वाले सैटेलाइट को PSLV के अराउंड छोड़ते हैं, और भारी सैटेलाइट जब भी हम छोड़ते हैं और अधिक ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर्स ऊंचाई पर जब हम छोड़ते हैं तो GSLV छोड़ते हैं, जिसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की कक्षा के अराउंड। PSLV का नाम सुनते ही आप ये मान लें कि सैटेलाइट हल्का होगा, कम वजन का होगा। यहाँ पर माइक्रोसेट आर छोड़ा गया है, रिमोट सेंसिंग, जब हम सुदूर संवेदन करते हैं, यानी पृथ्वी से थोड़ा ऊंचाई पर जाकर हम दूर से संवेदनशील सूचनाओं को लेते हैं पृथ्वी पर की, कि किस तरह की भूमि की स्थिति क्या है, फसल में किस तरह की स्थिति है, सुखाड़ कहाँ पे पड़ रहा है, सूखे की स्थिति कहाँ है, कहाँ पे बाढ़ आ गया, तो हम रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो इसके लिए हम कम ऊंचाई से ही कर सकते हैं, हम 36,000 पर से रिमोट सेंसिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसेट छोड़ा गया है, तो ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट था, यानी ये सुदूर संवेदन के लिए छोड़ा गया था, इसीलिए PSLV से छोड़ा गया। और दूसरा इसमें जो था क्लाम सेट, ये क्या है,
यह विश्व का सबसे हल्का सैटेलाइट था। यहां पर क्वेश्चन बन गया, क्लामसेट विश्व का सबसे हल्का सैटेलाइट छोड़ा गया जो तमिलनाडु के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था। यह उनके सम्मान में इसका नाम दिया गया, ये क्लामसेट। दूसरी बात की ये देखिए, आप मैप में देख रहे हैं, अब यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप इस मैप को देखें, आपको सिर्फ यहाँ पर PSLV या माइक्रोसेट आर नहीं देखना चाहिए, हमारा ध्यान यहीं पर है कि हम एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या कर सकते हैं। आप इस मैप को अगर देखें तो आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का लेफ्ट की तरफ भारत जहाँ पर लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भूखंड है ये। जब भी छोड़ा जाता है सैटेलाइट, आप देखते होंगे तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और ये पुलिकट झील के सटा हुआ एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं, वहाँ से छोड़ा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से अलग करता है और इन दोनों के बीच ही दरअसल ये आइलैंड है जो श्री हरिकोटा द्वीप है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन पुलिकट झील यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, याद रखें पुलिकट झील बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा जलीय क्षेत्र जो चारों ओर से भूखंड से घिरा हुआ हो, पानी का ऐसा घिरा हुआ क्षेत्र जो चारों ओर से भूखंड से घिरा हुआ हो लैंडफॉर्म से, उसे हम झील कहते हैं, स्थिर पानी। तो यहां पर पुलिकट झील है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा यहां पर निकल के आएगा। देखिए पुलिकट झील भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, ब्रैकिश वाटर सेकंड लार्जेस्ट लेक है, सबसे बड़ा कौन है, यह दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है पुलिकट झील। यह झील दरअसल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, इसका बहुत बड़ा भाग आंध्र प्रदेश में है, छोटा भाग तमिलनाडु में, लेकिन दोनों के बीच स्थित है। तो बात महत्वपूर्ण यहां पर क्या हो गई कि श्रीहरिकोटा द्वीप से ही सैटेलाइट का प्रक्षेपण होता है। यह एक द्वीप है, आइलैंड है, द्वीप कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा हो, और झील कहते हैं जो चारों ओर भूखंड से घिरा हो। यहां पर दोनों ही आपको महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिख रहा है। तो द्वीप है श्रीहरिकोटा जहां से छोड़ा गया यह सैटेलाइट, और यहीं पर पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, खारे पानी का दूसरा सबसे बड़ा झील है। तो थोड़ा सा मैप आपको देखना चाहिए। यहां पर हमने पॉइंट जो नोट डाउन किया वो ये कि ये जैसे ही आपने देखा ये पुलिकट झील या श्रीहरिकोटा द्वीप, आपको मैप कंसल्ट करना चाहिए, तो आपको एटलस एक रखना चाहिए ताकि और अच्छे से आप इसे समझ सकें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखते हैं, ये आर्थिक जो हमारे यहां पिछड़े वर्ग ऊंचे ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई नहीं, उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए कई सारे क्वेश्चंस आ गए, आपने सिर्फ 10% आरक्षण सुना या कुछ और दो तीन बातें संविधान संशोधन, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए कितनी सारे बातें निकल कर आएंगी। पहली बात, ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। यहाँ पर इस बात को फिर से आप समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अगड़ी जाति के गरीब लोगों के लिए ये जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हो गई। एक, ये 124वां संविधान संशोधन है, और दूसरा 103वां है एक्ट है, एक्ट है 103वां, और संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल है 124वां। दोनों बात आप समझ लें, जब संसद में कोई ड्राफ्ट, कोई घटना, कोई कानून बनाने के लिए जो मामले हैं जो लिखित रूप में लाए जाते हैं ड्राफ्ट बनाकर, उसे हम विधेयक यानी बिल कहते हैं, और जब उस पर बहस होकर करके वो पारित हो जाता है संसद से तो वो एक्ट बन जाता है यानी अधिनियम। तो अधिनियम है 103वां, जबकि ये संविधान संशोधन है यानी जब ड्राफ्ट लाया गया इस पर बहस के लिए तो वो 124वां है। यानी अगर प्रश्न बनेगा कि ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है तो 124वां, और ये कौन सा एक्ट बन चुका है तो ये एक्ट होगा 103वां। तो यहाँ पर ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन अधिनियम है 103, जबकि ये विधेयक है 124वां। दूसरी बात कि ये पास कितनी से हुआ, पहले लोकसभा से पास हुआ, ये 323 और 3 के वोट वैल्यू से, यानी विपक्ष में 3 और फेवर में 323 वोटिंग हुआ लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में 165 और 7 का डिफरेंस रहा। तो ये नोट डाउन करने वाली बात थी। और दूसरी बात ये कि ये जो आरक्षण का विधेयक, ये कानून आया है अधिनियम, इसमें 8 लाख
से कम के सालाना आय वालों को ये आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी जो थ्रेशोल्ड है वो है 8 लाख का इनकम। दूसरी बात है कि 10% आरक्षण के बाद अब आप देख लें कि कुल आरक्षण अब हो गया है 59.5 टोटल, SC ST OBC मिलाने के बाद ये 10% मिला लें तो टोटल आरक्षण की श्रेणी अब हो गई 59.5% की। दूसरा देखिए, यहाँ पर बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, ये दरअसल बाल पुरस्कारों से संबंधित है। इसमें बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन इसमें एक बात नोट डाउन करने वाली है कि इसके नाम बदल गए हैं। ये जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों का दिया जाता था उसमें अब इसका नाम पड़ गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और इसकी दो श्रेणियां जो बना दी गई हैं उन दोनों के नाम हैं राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। पहला पुरस्कार बच्चों की वीरता के लिए दिया जाएगा, जबकि दूसरा पुरस्कार जो बाल कल्याण पुरस्कार है ये किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाएगा जो बच्चों के विकास के लिए या उनके कल्याण के लिए काम करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये आ गया प्रवासी भारतीय सम्मेलन से संबंधित। ये जो क्वेश्चन है इसमें कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आएंगे, आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं। ये 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, वेरी गुड, चलिए ठीक है। उसके बाद ये वाराणसी में हुआ, हॉट क्वेश्चन, काफ़ी लोग जान भी चुके होंगे अब तक, जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये वाराणसी में हुआ। याद रखें कि अब ये दो दो साल पे होता है, पहले हर साल होता था, 2003 से ये आयोजित होता रहा है, अब 2015 से ये हर 2 साल पे आयोजित हो रहा है। पिछली बार ये बेंगलुरु में हुआ था और अब 2019 में ये वाराणसी में हुआ है। कौन थे इसमें चीफ गेस्ट, काफ़ी लोग जान चुके हैं पहले से, लेकिन जिन्होंने नहीं करंट अफेयर्स इधर देखा है वो आप जान लें कि यहाँ पर परविंद जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो इस बार चीफ गेस्ट थे। तो ये क्वेश्चन बन गया कि परविंद जगन्नाथ इस बार के चीफ गेस्ट थे। याद रखें कि इस बार का जो थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार का जो थीम था वो थीम क्या था, थीम था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, यानी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, ये इस बार का विषय था, थीम था। और इस बार का पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश था, यानी भागीदार देश, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा कि टाइमिंग भी बदल गया, ये 21 से 23 जनवरी अब आयोजित हो रहा है, इस साल कम से कम ये आयोजित हुआ, जबकि पहले ये 7 से 9 जनवरी के बीच आयोजित होता रहा है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये दिया हुआ है कि वैसे देश जहाँ पे ये प्रवासी रह रहे हैं, ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। अब हमारा फोकस होगा कि आप हर क्वेश्चन को मैप में देखें, इस बात को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें कि अब हर क्वेश्चन को आप मैप में भी सर्च करेंगे, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, GKGS के, करेंट अफेयर्स के तो होंगे ही। इस हैबिट को आपको डेवलप करना है, आपको ऑक्सफोर्ड एटलस ले लेना चाहिए, लेकिन कोई भी एटलस अगर आपके पास है तो काम चलेगा, नहीं तो वर्ल्ड का एक 10 रुपये का कैलेंडर आता है वो आप ले लें, टांग लें, वर्ल्ड मैप और भारत का मैप। तो ये है, हम लोग मैप देखेंगे हर बार ताकि कहीं ज़्यादा ये एग्ज़ाम फ्रेंडली टॉपिक हो सके। इंटरेस्टिंगली इस बार परविंद जगन्नाथ थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, और पहली बार जब 2003 में हुआ तब इनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ थे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक संबंधित है अफस्पा से। अफस्पा क्या है, अफस्पा कानून क्या है, इसे भी आपको सर्च करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में आइए जान लेते हैं। आर्म्ड फोर्स प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके को प्रोटेक्शन देता हुआ ये एक्ट है, यानी ऐसा क्षेत्र जो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हो जाता है वहाँ पर अफस्पा लगता है। ये ब्रिटिश काल से ही ये कानून लगता रहा है, 1942 के आंदोलन में भी अफस्पा लगा था। अब अफस्पा वैसे ही क्षेत्रों में लगता है जिसे अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। नागालैंड में देखिए, यहाँ पर तो छोटा सा, अब आप कहेंगे कि इसमें क्वेश्चन कहाँ बन रहा है। नागालैंड में अफस्पा 6 माह की वृद्धि हुई, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी करंट अफेयर्स का निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन आइए हम इसे कुछ एक्स्ट्रा करके निकाल लेते हैं। अफस्पा का तो आपने देख लिया कि फुल फॉर्म ये है, ये सबसे पहले नागालैंड में लगा था 1958 में,
हालांकि असम के पर्सपेक्टिव में नागालैंड में 1953 में ही ये कानून लगा था, लेकिन एक्ट आया 1958 में नागालैंड के विशेष के संदर्भ में 1958 में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में ये कानून लगा, अफस्पा कानून। लेकिन 1983 में नॉर्थ ईस्ट से बाहर पंजाब में ये चंडीगढ़ में लगा। चंडीगढ़ में 1983 में जब इंसर्जेंसी चल रहा था आतंकवाद, तब वहाँ पर इसे नॉर्थ ईस्ट से बाहर लगाया गया, लेकिन इसे 1997 में उठा लिया गया। अगेन उसके बाद जम्मू कश्मीर में 1990 में लगा अफस्पा कानून, और इस तरह से अभी भी जम्मू कश्मीर में अफस्पा कानून लागू है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पार्शियली कहीं उठा लिया गया है, कहीं ये लगा हुआ है। तो अफस्पा कानून आप समझ चुके होंगे, ये सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देता है। आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर से आ गया, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप इस तरह से टॉपिक से करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कहीं ज़्यादा कंसोलिडेटेड होगा। नेक्स्ट आ गया भारत रत्न से रिलेटेड। अगर इसे आप देखें तो इसमें आप पहले से बहुत कुछ जान चुके हैं। ये घोषणाएं जो हुई हैं तीन लोगों को दिया गया है, तीन लोगों को देने के बाद अब कुल भारत रत्न की संख्या हो गई है 48। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बार बार एग्जाम में आएगा, अब ये 1 साल 2 साल तक आएगा। कुल 48 लोगों को भारत रत्न अब दिया जा चुका है। इस बार जिन लोगों को दिया गया उसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका के नाम पर भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ है? इनके नाम पे भारत का सबसे लंबे पुल का नामकरण हुआ है। काफी लोग जान रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो जान लें कि असम में ढोला सदिया पुल जो बना है चीन की सीमा से अरुणाचल प्रदेश में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, ये भारत का सबसे लंबा पुल है नदी पर बना हुआ, जिसे ढोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं, जिसका नामकरण किया गया है भूपेन हजारिका पुल के नाम पे। भूपेन हजारिका असम के बहुत बड़े संगीतकार और गायक रहे हैं, साथ ही फिल्म मेकर भी रहे हैं। तो इस बार तीन लोगों को मिला, समाजसेवी को, संगीतकार और गायक को, और दूसरे पॉलिटिशियन को, प्रणब मुखर्जी को। 48 तो आप जान रहे होंगे सबसे पहले किसे मिला। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई और पहली बार तीन लोगों को मिला। इसमें तीन सी राजगोपालाचारी, उसके बाद हमारे पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, और तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो तीन लोगों को पहली बार मिला, उसके बाद क्रमशः यह मिलता रहा। अब 2019 में यह मिला, और यह मिला तीन लोगों को, 48 संख्या इनकी हो गई है। इसमें क्या विशेष था? तो क्वेश्चन तो लेकिन काफ़ी निकल कर आ गए। करेंट अफेयर्स हमें इसी तरह से अब करना है, एक एक पक्ष को हम निकाल लेंगे, साथ ही मैप को ज़रूर हम देखेंगे। आपको हम बोल देते हैं आप मैप ज़रूर मंगा लें, कोई भी मैप, कम कीमत वाला भी एक मैप ज़रूर आप रखें। हालांकि सबसे बेस्ट मैप की बुक होती है ऑक्सफर्ड की, तो ऑक्सफर्ड की होना चाहिए। लेकिन कोई भी नहीं है तो आप वो कैलेंडर जो टंगता है 10 रुपये वाला, वो भी रख सकते हैं। तो मैप ज़रूर रखें, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, संभव हो तो पॉलिटिकल और फिजिकल। तो इस तरह से करंट अफेयर्स का ये सेक्शन हम लोग करेंगे। अगली बार हम लोग ले चुके हैं, कल ये डिसाइड हो चुका है, अगली बार इंटरनेशनल करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसी मैगजीन से। टेक केयर।